इसलिए अगली जो टॉपिक हमारे पास आती है वो आती है मेनुआ। तो जयंती जी, मिस्टर आर्यन त्रिवेदी जी, गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ कल्याण जी हैं पुणे से, ये आगे आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो अरिवन चटर्जी जी एंड कल्याण जी, हम बात करने जा रहे हैं मेनू बार के बारे में। आप देख रहे हैं हमारे सामने मेनू बार है, तो क्या हम इस मेनू बार को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां डेवलपर का टैब दिख रहा है, आपके पास डेवलपर का टैब नहीं होगा। मेरे पास ड्रॉ का टैब दिख रहा है, मुझे ड्रॉ का टैब का कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसको हटाना है। तो ये सारी जो है कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन के कस्टमाइज रिबन के अंदर। ठीक है सर, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में आप यहां जो ड्रॉ है इसको अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा, डेवलपर पे क्लिक कर दीजिए आ जाएगा। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मेनू में अवेलेबल ही नहीं है। जैसे एक्सेल ऑप्शन पे आइए, यहां कस्टमाइज रिबन में पॉपुलर कमांड को ड्रॉप डाउन करके कमांड नॉट इन द रिबन, जो मेनू कमांड मेनू बार है या मेनू टैब है इसको रिबन कहा जाता है एक्सेल के लैंग्वेज में। तो इतने जो कमांड आप दिख रहे हैं जो कि किसी मेनू बार में एग्जिस्ट नहीं करता है, अब आप जो है इनको अपने हिसाब से मेनू बार में रख सकते हैं। ठीक है सर, अब कैसे रखेंगे? तो चलिए कोई एक अच्छा सा स्पीक एंटर करके एक कमांड है, स्पीक एंटर। अब मुझे इसको रखना है, तो आप किस मेनू बार में रखना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करें। उस मेनू बार के अंदर आपको न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा, यहां से न्यू ग्रुप करेंगे इस तरह से न्यू ग्रुप आ गया, क्योंकि ये पहले से बने हुए इसमें नहीं जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उस मेनू के अंदर एक नया ग्रुप क्रिएट करना होगा, यहां न्यू ग्रुप पे। इसको रिनेम भी कर सकता है अपने हिसाब से, इसे ऑलरेडी पहले से पेस्ट है, हाइपरलिंक रख रखा है, यहां आया हुआ है, इसी में मैंने ऐड कर लिया पेस्ट सेल एल्ब, इसमें चला गया, क्योंकि ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया ग्रुप है, सिस्टम द्वारा नहीं है। तो सिस्टम द्वारा क्रिएटेड है उसमें आप कोई भी ऑप्शन को ऐड नहीं कर सकते, ऑप्शन को जो ऐड होगा वो हमेशा आपके द्वारा क्रिएट किया गया ग्रुप में होगा। हाँ, लेकिन ये जब हम ये एक्सेल शीट हम किसी और को हमारे कलीग को भेजते हैं, तो वो अगर उनके सिस्टम पे ओपन करते हैं तो ये मेनू बार उनको भी विजिबल हो जाएगा या सिर्फ हमारे? नहीं नहीं, आप पहले समझ लीजिए, एक्सेल ऑप्शन में जो भी हम सेटिंग चेंज करते हैं वो एक पर्टिकुलर फाइल का नहीं होता, एप्लीकेशन का सेटिंग होता है, फाइल से कुछ लेना देना नहीं है, समझे? नहीं नहीं समझा। देखिए एक्सेल, जो एक्सेल एप्लीकेशन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वर्कबुक, एक होता है एप्लीकेशन। मतलब समझिए ना कि ये फॉर्मूला बार दिख रहा है ना सर, फॉर्मूला बार से ऊपर जो चीज आपको दिख रहा है, इससे ऊपर का जो चीज दिख रहा है दैट कॉल एप्लीकेशन, राइट? ये एप्लीकेशन है, किसी फाइल का हिस्सा नहीं, और इससे नीचे जो चीजें है वो आपकी फाइल, इसके नीचे की जो भी चीजें हैं वो आपकी फाइल है। इसका मतलब है कि आप इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे वो कोई भी किसी भी सिस्टम पे जाएगा, किसी भी सिस्टम पे जाएगा वो उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, लेकिन इससे ऊपर की जो चेंजिंग है, इससे ऊपर जो चेंजिंग हो रही है ऊपर वाले पार्ट में, इस पार्ट में इसके अंदर जो चेंजिंग होती है वो आपके सिस्टम पे रहेगा, किसी और के सिस्टम पे नहीं जाएगा। ओके, वही क्वेश्चन था मेरा। ओके, तो कल्याण जी और अरिवन जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एनी रैम हमने ये न्यू ग्रुप का मतलब कहां से क्रिएट किया ये समझ? हाँ हाँ, यही बताता हूँ आपको, न्यू ग्रुप, एक मिनट मैं ड्रॉइंग निकाल देता हूँ।
न्यू ग्रुप जो है क्रिएट करने के लिए ऑप्शन कस्टमाइज रिबन, और आपको किसके किस टाइप के अंदर न्यू ग्रुप क्रिएट करना है उस टाइप को सिलेक्ट करें और यहां न्यू ग्रुप पे क्लिक करें। ठीक है सर, ये करने से मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग दिस? जैसे कि होता क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने मान लीजिए स्पीक एंड सेल का ऑप्शन रखा यहाँ पे, रखा यहाँ पे एक कमांड ने ऐड किया, यहाँ पे कमांड शो हो गया, दिख रहा है होम मेनू बार के न्यू ग्रुप वाले सेक्शन में आ गया यहाँ पे सर। अब ये ऑप्शन तो मुझे नहीं मिलता ना सर, मुझे इस ऑप्शन की जरूरत थी। मतलब कि आपके एक्सेल में जो चीजें दिख रही है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे कमांड है जो कि हिडन है। यहाँ देखिए, इसमें जब जाइएगा कमांड नॉट इन द रिबन, इतने सारे कमांड है जो कि एक्सेल में हिडन है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक कमांड जो हिडन है हमारा, अब उसको मुझे मालूम से कुछ कमांड चाहिए, तो उसको मुझे मेनू बार में कहीं तो होल्ड तो करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, तो उसको होल्ड करने के लिए आपको पहले चूज करना पड़ेगा टैब कि किस टैब के अंदर करना है, फिर उस टैब के अंदर नया ग्रुप क्रिएट करना होगा और उस ग्रुप पे सिलेक्ट करके फिर यहां से ऐड पे क्लिक करना होगा। मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं एक कमांड लेता हूं यहां पे, एक यहां पे फॉर्म होगा मान लीजिएगा, ये रहा फॉर्म, फॉर्म दिख रहा है। अब मुझे इस फॉर्म की जरूरत है, इस फॉर्म की जरूरत है, तो कैसे ऐड करें, तो मैं डेटा मेनू बार के अंदर जाता हूं राइट, और यहां पे एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूं, आ गया न्यू ग्रुप। हालांकि इसको मैं रिनेम भी कर सकता हूं यहां से, यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं फॉर्म, और यहां पे फॉर्म देने के बाद मैं कोई जो आइकन आपको अच्छा लग रहा है वो आइकन आप चूज भी कर सकते हो, मतलब मेरे आइकन को चूज कर दिया एंड ओके ओके नहीं ओके नहीं, अभी ऐड भी करना बाकी है ना, और उसको मैंने यहां पे इसमें ऐड कर, तो हमने एक नया ग्रुप बनाया, इसे डेटा मेनू बार के अंदर एक नया ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर इस फॉर्म को ऐड किया। ठीक है, यहां पे आप जाएंगे डेटा मेनू बार में, यहां फॉर्म दिख गया सर। अब इसकी जरूरत थी तो इसलिए यूज किया, जैसे मान लीजिए नेम सिटी मोबाइल नंबर अमाउंट, अब जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा ना, क्या आया सर, मैं यहीं से डेटा एंट्री कर सकता हूं, पूजा आ गया, पूजा सर, मोहन पुणे मोबाइल नंबर अमाउंट, न्यू पे क्लिक किया, एंट्री हो गई सर। ये चीजें हम लोग वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से यूजर फॉर्म के जरिए करते थे, यहाँ पे बना बनाया टूल्स है। नहीं नहीं, ये फॉर्म मेरे को एक हेल्प चाहिए था, मैं थोड़ा अलग से वो, मैं जो आपको वीकेंड में मैंने फोन किया था ना, मैं बात किया था, एक फॉर्म का मतलब वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा हेल्प चाहिए था आपसे। गूगल फॉर्म की बात हुई थी ना, गूगल फॉर्म में बताया था आपको। हाँ हाँ, गूगल फॉर्म का बात हुआ था, तो गूगल फॉर्म में स्टोरेज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो भी एक बार देखना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसे हम फॉर्म, मैं क्लास के बाद इसको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ, ये समझ में आ गया। ऑप्शन भी एक है वहाँ पे, क्या रिकॉर्ड, ये नहीं ये बंद कीजिएगा, ये फॉर्म में जाइए, फॉर्म फॉर्म में समझाऊंगा मैं आपको, फॉर्म नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कस्टम ग्रुप का क्या यूज है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, ये फॉर्म तो मैं आपको समझाऊंगा, ये रिकॉर्ड है ना, इसमें फाइल रिकॉर्ड होता है, नेक्स्ट हो गया, इसमें रिकॉर्ड सिस्टम में री स्टोर है, यहाँ पे जैसे कुछ डिलीट कर दिया तो उसको री स्टोर करना होता है, इसमें हम आगे बात करेंगे। अब फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो रिबन के ऊपर, रिबन को कस्टमाइज करने के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं।
तो हमने अभी आपको ये बताया कि रिबन के अंदर कोई भी ग्रुप ऐड करके कुछ जो हिडन हमारे फंक्शन है उसको डाल सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं डालने को, तो यहाँ हम नया एक नया टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जो मेनू बार आप दिख रहा है ना सर, ऐसा टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक न्यू टैग क्रिएट किया और न्यू टैग में क्रिएट करने के बाद इसका नाम डाल दिया IMP इंपोर्टेंट, राइट। अब इसमें जो है आप जो है मान जाइए और इसमें आपको जो जो चीजें डालनी है, सो यहाँ न्यू ग्रुप में आप डालते जाइए, ठीक है। ओके, अब आपके पास एक नया टैब आ गया IMP का, उसमें जो मैंने ऑप्शन यूज किए हुए हैं वो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है सर। तो आप एक नया टैब क्रिएट कर सकते, ओके। तो ये आपको कस्टमाइज्ड रिबन समझ में आ गया।